गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज देख रहे हैं हम लोग एक नया कंसेप्ट को, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो 8 आदमी और 12 लड़के मिलके एक काम को ख़त्म करते हैं कितने दिन में? 5 दिन काम को ख़त्म करते हैं। वाइल 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 7 डेज। ठीक है, और 6 मैन और 8 लड़के उसको काम को ख़त्म करके कितने दिन में? 7 डेज में ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। क्या पूछ रहा है? अकेले। अगर यदि वो उस काम को वो अकेले करता तो कितना दिन में फिनिश करेगा? और बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क, मतलब आपको एक आदमी का और एक लड़के का आपको बताना है कि कितने दिन में काम को फिनिश करेगा यदि वो काम अकेले करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, मान लेंगे कि ये जो है लेट द मैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। कितने दिन में? एक्स डेज में मान लिया। लेट ए मैन, एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, उस काम को ख़त्म करता कितने दिन में? एक्स डेज में। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ए बॉय फिनिश द वर्क इन वाई डेज। मैंने मैन का मान लिया एक्स डेज में काम ख़त्म करता है और लड़का वाई डेज में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी इस काम को इतने दिन में ख़त्म करेगा और एक लड़का एक काम को इतने दिन में ख़त्म करेगा। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे, हम निकालेंगे वन बॉय वन मैन वन डे वर्क। क्या जाएगा? वन डेज वर्क, वन मैन वन डे वर्क। ठीक है, एक दिन में काम कितना हो? अगर ये एक्स डेज में काम ख़त्म किया, कितने दिन में? एक्स डेज में काम ख़त्म किया तो एक दिन का उसका काम कितना होगा? वन बाय एक्स हो जाएगा। कितना जाएगा? वन बाय एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। कहने का मतलब हो गया, सपोज कि एक्स डेज में एक काम को ख़त्म कर रहा है, कितने काम को? काम को एक ही ना मानेंगे, काम एक ही ना काम है, मान लीजिए एक वर्क है। ठीक है, तो अब हम ये जान रहे हैं कि एक्स डेज में इसने एक काम को ख़त्म किया तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? एक दिन में, तो या एक्स अगर डिवाइड में तो वन बाई एक्स आ जाएगा। सिंपल है, वही लिखें कि एक दिन का काम कितना होगा उसका, तो कितना जाएगा? वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली एक लड़का वाई डेज में काम ख़त्म करता है, वाई डेज में एक काम ख़त्म किया उस लड़के ने, तो उसको उस लड़के का एक दिन का काम कितना जाएगा? वन बाई वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर सिमिलरली वन बाई वन डे वन डेज वर्क वो कितना जाएगा? वन बाई वाई हो जाएगा, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वन बाई एक्स, ये हो गया वन बाई वाई। ये दोनों समझे बात को? ये क्या बता रहा है? ये बता कि एक्स डेज में एक काम ख़त्म कर रहा है एक आदमी, तो उस आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो वन बाई एक्स समझ में आ जाएगा। अगर लड़का वाई डेज में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है, एक काम को, तो उसका वन दिन का काम कितना होता है? वन बाई वाई हो जाएगा। सिंपल। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते आगे। तो आप यहाँ पर कितने कह रहे हैं? 8 मैन कह रहा है, तो यहाँ एक आदमी का ना काम है, तो 8 आदमी का काम कितना आएगा? 8 बाई एक्स हो जाएगा। वेरी गुड, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो 8 बाई एक्स और प्लस 7 में है ना, 12 बॉयज भी है, तो एक दिन एक लड़के का काम कितना है? 1 बाई वाई है, तो 12 बॉयज का 12 बाई वाई। ठीक है, और यहाँ पर कितने डेज में है? 5 डेज में है, तो एक दिन का काम कितना है? 1 बाई फाइव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बाई फाइव हो जाएगा। ये समझे? 5 दिन में इतना काम करते हैं, 5 दिन में 8 मैन और 12 बॉयज एक काम ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में काम कितना है? 1 बाई फाइव हो जाएगा। तो इसलिए हमने 1 बाई फाइव लिखा, मतलब ये भी वन दिन का काम है, ये भी वन डे का, ये भी वन डे का और ये भी वन डे का। ठीक है, और इसमें 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के यदि काम करेंगे एक दिन, 8 आदमी और लड़के काम करेंगे एक दिन नहीं, तो एक दिन में काम कितना होता है? 1 बाई फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ वन डे वर्क। क्या हो गया? वर्क। ये हुआ एक आदमी का, ये क्या हुआ? एक आदमी का एक दिन का काम।
नहीं, एक बॉय का एक दिन का काम, तो 8 आदमी और 12 के काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे? सिंपल, ये हुआ एक आदमी और एक लड़के का काम ना है। लेकिन जब 8 आदमी और 8-12 लड़के यदि एक दिन काम करते हैं तो एक दिन काम कितना करेंगे? वही बात यहाँ भी, एक क्वेश्चन बन गया हमारा, इसका मान क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली अब क्या कह रहा आगे, 6 मैन, तो अब यहाँ पे एक आदमी का काम इतना है, 1/x है, तो 6 आदमी का 6/x और प्लस 8/y है, तो 8/y कितने दिन काम करना है? 7 डेज होता है, 1/7। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? अब बस आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। क्या करना है? इक्वेट करना है। यहाँ देखो, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 12 है। यहाँ 6, यहाँ 8 है, तो कितना से गुना कर दो? देखो 8 3 = 24, इसको गुना कर लो 3 से, कितना से? और इसको गुना कर लो कितना से? 4 से। 6 4 = 24, 8 3 = 24, इन दो को इक्वेट कर लो, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। अब y का वैल्यू निकाल के फिर आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। क्या ये आपके लिए हम छोड़ दें, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या हम सॉल्व करके दिखा दें आपको? क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? तो इसको सॉल्व कर इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप जो कमेंट करके बताएं, तो इसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बना के डालेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको हमने हिंदी ही दिया कि यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना है, यहाँ पे 4 से, इसको गुणा करके x वाला कट जाएगा, यहाँ से y फाइंड कर लीजिएगा, और y का जो वैल्यू आएगा उसको फिर फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में पुट करके x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और कंसेप्ट को, जहाँ पे हम लोग और भी इस तरह का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक दिया करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि इस चैनल जो भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं इसका आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8024 / x प्लस 12036 / y इक्वल टू 3/5, इसको गुणा कर लेंगे 4 से, 6 4 = 24 / x प्लस 8 4 = 32 / y इक्वल टू 4/7, ठीक है। साइन चेंज कर लेंगे, माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो कितना बच गया यहाँ पे? 36 / y माइनस, ये माइनस में आपका है 32 / y इक्वल टू 3/5 माइनस 4/7, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम y आ जाएगा, ठीक है। 36 में 32 किया तो कितना आ जाएगा? 4। इसका एलसीएम 35, 21 और माइनस 20, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका? 4/y 1/35, ठीक है। 35 × 4 कर लेंगे तो y का मान कितना जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 140 डेज आ जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा? 140 डेज। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट में हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो y का मान कितना? 140 है। y का मान कितना? 140 है। इसको सॉल्व करना होगा हमको यहाँ वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलिए यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस तो है नहीं। तो यहाँ पे कितना? 8/x है और प्लस 12/y y कितना हमारा? 140 इक्वल टू 1/5, उसे हम लोग काट लेते हैं, यहाँ जाएगा 6, दो से काटे कितना जाएगा? 7 0, फिर दो से कटेगा, दो से काटेंगे 3, दो से काटेंगे तो कितना जाएगा? यह जाएगा 35, ठीक है। तो 8/x इक्वल टू, इसको इधर जाएंगे तो 1/5 माइनस 3/35, उसको नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं y का मान 140 डेज, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8/x
इक्वल टू इसका 35 7 माइनस यहाँ 3 ठीक है तो 8 बाई एक्स इक्वल टू 73 किया 4 बाई 35 ये कट जाएगा कितने बार में दो बार में 35 इंटू 2 तो x का मान कितना आया 70 डेज ठीक है ये आपका आंसर हो गया x का मान 70 डेज तो y का मान 140 डेज और x का मान 70 डेज आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक दिया करें ठीक है आप देखते हैं नया कंसेप्ट इस चैप्टर का